अब हम लोग पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं। नॉन डेरिवेबल है डिसकंटीन्यूअस है तो क्या करना है, ग्राफ बनाना है, उससे सिमेट्रिक उससे ऑब्जर्व करना है। मेथड टू चेक लोकल मैक्सिमम पब्लिक आर मिनिमम आर डेरिवेबल फंक्शन आर डेरिवेबल फंक्शन। डेरिवेबल फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट कहाँ होता है, वही होता है जो स्टेशनरी पॉइंट एफ डैश एक्स जहां जीरो होता है, जहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो होता है। तो दो मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, और उसको टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा हाँ मैक्सिमम है या मिनिमम, यही है ना, लोकल मैक्सिमम है मिनिमम है और नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। देखते हैं कैसे। लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स गिव अ डेरिवेबल फंक्शन, डेरिवेबल फंक्शन अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए एंड एक्स इज इक्वल टू ए गिव अ क्रिटिकल पॉइंट, कहां से आएगा क्रिटिकल पॉइंट, आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, सिंप्लीफाई करके प्राइस करके रख सकते हो, उससे सारे रूट सब अपने आप दिखने लग जाएंगे, या डी वाई बाई डी एक्स को जीरो रखो उससे वैल्यू आ जाएगी, उससे हो सकता है बहुत सारे रूट्स आ रहे हो, एक रूट के बारे में बात कर रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करने से ए आ रहा है, इसको फैक्टराइज करके बना सकते हैं, हो सकता है पॉलीनोमियल फंक्शन है वो अलजेब्रिक फंक्शन है डिफरेंशिएट करके फैक्टराइज हो रहा है तो उस तरीके से देख लें, या फिर उस पॉइंट ए पर अब ऑब्जर्व कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स का साइन का नेचर क्या है, उसके पहले और उसके बाद कैसा होगा, साइन आप डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स आपको ऑब्जर्व करना है एक्स इज इक्वल टू ए पर, ए पर तो वैल्यू डेरिवेटिव क्या है जीरो है, डी वाई बाई जीरो ए के जस्ट पहले जीरो नहीं है, हर जगह जीरो नहीं है तब तो कॉन्स्टेंट रहे, इसके पहले या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव होगा, लड़ा है जो इसके पहले पॉजिटिव था इसके बाद नेगेटिव हो गया, तो फंक्शन का बिहेवियर क्या हो रहा है, यहाँ से इधर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर ए पर जीरो है डेरिवेटिव मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट, और फिर डिक्रीज कर रहा है, नेचर कुछ इस तरह का है। अब जब इस तरह का नेचर होगा तो एक्स इक्वल टू ए पर, इस एक्स इक्वल टू ए पर क्या है मैक्सिमम आएगा लोकल मैक्सिमम, तो अगर इस तरह से साइन चेंज हो ए पर तो जीरो रहेगा प्लस फिर जीरो फिर माइनस आ रहा है तो देन एक्स इक्वल टू ए विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, सेकंड यही एफ डैश एक्स का साइन ऐसे आ रहा है साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ए पर जीरो आ रहा है इसके बाद प्लस है इसके पहले माइनस, साइन प्लस से या तो माइनस चेंज हो लेफ्ट से राइट जाते हुए या माइनस से प्लस हो, माइनस से प्लस हुआ तो डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करके इंक्रीज हुआ तो यहाँ एक्स इक्वल टू ए पर क्या जाएगा लोकल मिनिमम, देन एक्स इक्वल टू ए विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। आप फर्स्ट डेरिवेटिव से ही बता सकते हो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम क्या है, कोई सेकेंड डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से ही देख लेते हैं, पर सेकंड डेरिवेटिव वो कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो भी पता होना चाहिए। क्या यही अगर साइन ऑफ एफ डैश एक्स ऐसे ए पर जीरो साइन ना चेंज हो इसके पहले भी प्लस है इसके बाद भी प्लस है ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसे हो इसके पहले भी माइनस हो इसके बाद भी माइनस हो, ए पर तो जीरो क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट है डिवाइडेड एक्स जीरो आया था लेकिन साइन चेंज ना हो रहा, साइन चेंज हो रहा है तो एक्सट्रीमम पॉइंट होगा या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, प्लस से माइनस हुआ मैक्सिमम होगा, माइनस से प्लस हुआ मिनिमम होगा, लेकिन अगर साइन चेंज नहीं हुआ तो एक्स इक्वल टू ए विल बी नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम।
ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। लेकिन ये भी एक स्पेशल पॉइंट है, इसको कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस विल बी x is equal to a will be point of intersection. Point of inflection. वैसे जितने भी पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन होते हैं किसी भी कर्व में या फंक्शन में, वो हम डबल डेरिवेटिव से ज्यादा सही तरीके से और कंप्लीट पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव से हम, हो सकता है सारे के सारे आ जाएं या कुछ छूट भी जाएं, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव से सभी आते हैं तो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पे कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन जेईई मेंस में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, एडवांस में एक दो बार जरूर यूज पड़ा है इसको करने का, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये कौन सा टेस्ट पढ़ा हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू चेक लोकल मैक्सिमम आर मिनिमम, सेकेंड है हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड मेथड है इसके लिए हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। Higher order derivative test. Let y is equal to fx be a derivable function and x is equal to a be a critical point. Same way लिखा। सबसे पहले तो आपको differentiate करके check कर लेना है वहाँ critical point है या नहीं। dy by dx is equal to 0 be a critical point. किससे आ रहा है, दैट इज dy by dx is equal to 0 तो आपने किया तो उससे x की वैल्यू क्या आ गई, और भी रूट आ सकते हैं। हम एक पॉइंट पर बात करें, ऐसे ही जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे सब पे ऐसे ही चेक करना। इसके बाद क्या करना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे d2y by dx square, और इस d2y by dx स्क्वायर में ये x is equal to a की रख देंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद x की वैल्यू a रखेंगे, और ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, a रखने पर d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू, जहां dy by dx 0 है वहां पे d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0, देन वी से x is equal to a will be point of लोकल मैक्सिमम, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम हो। ये भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव से ही इसका प्रूफ देख सकते हैं, ध्यान से सुनिए, फिर नोट करिए। यहां अभी लोकल मैक्सिमम में क्या है, डीवाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव, ये जीरो नेगेटिव है, या पॉजिटिव मान लीजिए वैल्यू प्लस में, अगर मैं ए के आसपास देखूं तो वैल्यू पहले प्लस है फिर जीरो है फिर नेगेटिव, मतलब वैल्यू एफ डैश एक्स की इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, इंक्रीज करे। कहां एफ डैश एक्स, ध्यान से सुनिए वर्ड को बोलने से पहले, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है फिर जीरो है फिर नेगेटिव, एफ डैश एक्स पूछा जा रहा है, एफ एक्स नहीं पूछ रहे हैं, एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज, एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहा है, क्यों, देखिए यहां पॉजिटिव है, मान लीजिए प्लस वन था फिर जीरो था फिर माइनस वन, कम हो रहा है ना, यस सर, एफ डैश एक्स मान लीजिए यहां प्लस 0.0001 होते होते जीरो हुआ होगा फिर नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव हुआ, तो एफ डैश एक्स इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहा है ए पर, डिक्रीज कर रहा है ना, ए पे डिक्रीज कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव, एफ डैश का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स वो नेगेटिव आ रहा है इसलिए मैक्सिमम है, इसी से तो प्रूफ है इसका, है कि नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव से ही आ रहा है ये सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट, d2y by dx स्क्वायर लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है, सेम है।
ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू ए, आपने पहले डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, एक्स बराबर ए रखा, लेस देन जीरो आया तो मैक्सिमम है, ग्रेटर देन जीरो आया देन एक्स इज इक्वल टू ए विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम हो जाएगा, देखिए नेगेटिव है एफ डैश, फिर जीरो है, फिर पॉजिटिव, मतलब एफ डैश की वैल्यू इंक्रीज कर रही, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, नेगेटिव थी फिर जीरो हुई फिर पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रही, इंक्रीज कर रही तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट वन थर्ड, इफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ए, देखिए तीन डी वाई बाई डी एक्स निकाला जीरो पर ए आया, अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, नेगेटिव आया मैक्सिमम, पॉजिटिव आया मिनिमम, जीरो भी तो आ सकता है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा जीरो आएगा, जीरो आएगा तो, जीरो आएगा तो अभी इंफ्लेक्शन नहीं बोल सकते, एक्स इक्वल टू ए पर हमने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर देखा जीरो आ रहा है, तो हम ये कहेंगे अब या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव से क्वेश्चन कर लो, या फिर आपको अगेन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देना है, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू एट एक्स इक्वल टू ए, ये चेक करिए, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो नहीं है देन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बाद में बताएंगे, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, लेकिन जीरो नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है कुछ भी, इसमें भी आप फिर से दो केस बना सकते हैं, एंड डीटी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू एट एक्स इक्वल टू ए, लेकिन जीरो आ गया तो क्या करोगे, फिर से करेंगे फोर्थ डेरिवेटिव, एंड डी फोर वाई अपॉन डी एक्स पावर फोर एट एक्स इक्वल टू ए ग्रेटर देन जीरो है, मिनिमम लोकल मिनिमम, इसमें केसेस आ जाएंगे, डी फोर वाई अपॉन डी एक्स पावर फोर एट एक्स इक्वल टू ए लेस देन जीरो लोकल मैक्सिमम इक्वल टू जीरो है, तो नेक्स्ट फिफ्थ डेरिवेटिव फिर देखना हो एट वन, ऐसे चलता है, इसलिए नाम है हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा देखने के लिए नहीं कहा जा सकता, तो बेटर मेथड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, उससे ही पता चल जाएगा, उसी से आया है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, वैसे देखिए जी समझ सकते हैं इवन ऑर्डर डेरिवेटिव क्या टू है या फोर है, पॉजिटिव है तो मिनिमम है, उसके जस्ट पहले तक के डेरिवेटिव सारे जीरो, और नेक्स्ट जो इवन वाला है नॉन जीरो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो मैक्सिमम या मिनिमम, इवन तक जीरो है, टू तक जीरो है या फोर तक जीरो है, नेक्स्ट फिफ्थ जीरो नहीं है, टू तक जीरो है थर्ड जीरो नहीं है, तो ना इधर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है, तो कर लीजिए क्वेश्चंस करके देखते हैं, यही है मेथड टू चेक लोकल मैक्सिमम और मिनिमम फॉर अ डेरिवेबल फंक्शन। And the point of maximum or minimum for fx is equal to x minus 5 power 55 into x minus 6 power 66. Note कर लीजिए. और ये करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियरली डेरिवेटिव पावर इतने ज्यादा हैं
कि बेटर क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर में करेंगे तो सिमेट्री से देख करके आपको 55 या 66 टाइम्स डिफरेंशिएशन की तरफ जाना पड़ जाएगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम लिखा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात करें, कोई एक इंटरवल दिया होता तो वहां पे उस इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम इज ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू आ जाती। पॉलीनोमियल फंक्शन है, डेरिवेबल है, डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं कहां मैक्सिमम आएगा कहां मिनिमम आएगा। हो गया बेटा, सिक्सटी बाई इलेवन तक आ रही है मैक्सिमम सिक्स पे मिनिमम और 65 बाई 60 बाई 11 60 बाई 11 पर मैक्सिमम। ठीक है, डिफरेंशिएट करिए, पॉलीनोमियल फंक्शन है, डेरिवेबल प्रोडक्ट लगेगा 55 x माइनस 5 पावर 54 इवन इसका डेरिवेटिव इनटू x माइनस 6 पावर 66 एज इट इज लिख लो प्लस x माइनस 5 पावर 55 एज इट इज इनटू इसका डिफरेंशियल 66 x माइनस 6 पावर 65 तो प्रोडक्ट लगेगा ना। ऐसे क्या कॉमन है 55 और 66 में 11 और क्या है x माइनस 5 का दोनों में लोअर पावर कौन सा है 54 और 6 का कौन सा पावर है 65 ये कॉमन ले लिए। ब्रैकेट में आके बचेगा 5 इंटू x माइनस 6 प्लस इधर मिलेगा 6 इंटू x माइनस 5 होगा बन गया 11 इंटू x माइनस 5 पावर 54 इंटू x माइनस 6 पावर 65 और यहां क्या आएगा 5x प्लस 6x 11x माइनस 30 माइनस 30 माइनस 60 देख ली, डिफरेंशिएट किया, फैक्टराइज करके लिख लिया। अब ये रूट्स क्या क्या आ रहे हैं इसमें, एक रूट आ रहा है 5 लेकिन इसका पावर क्या है, ये इसका रूट क्या आ रहा है 6 इसका पावर 65 पावर है और यहां से आ रहा है 60 बाई 11 5 पॉइंट विच वाली आएगी कहां आएगी 5 और 6 के बीच में, यहां आ गई वैल्यू 60 अपॉन इधर। ठीक है, पावर वन है राइट साइड ऑफ ग्रेटेस्ट रूट इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहां से लेकर इंफिनिटी तक वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव और अगर इसका पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाता है पॉजिटिव से क्या हो जाता है नेगेटिव फिर ऑड है तो नेगेटिव से पॉजिटिव और इवन है तो साइन चेंज नहीं होता इवन पर साइन चेंज नहीं होता ऑड पे साइन चेंज हो जाता है। अगर डिग्री सब अलग अलग है तो ऐसे देखना है डिग्री सेम है वन की है सबकी तो प्लस माइनस हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन चेंज नहीं हुआ तो ये तो हो गया पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, हमें मैक्सिमम मिनिमम देखना था प्लस से माइनस हो तो क्या होता है मैक्सिमम, यहाँ इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया मैक्सिमम और यहाँ पर डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है यहाँ क्या आएगा 6 पर पॉइंट ऑफ मिनिमम। कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम
एफ एक्स इज इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12. At the point of maximum and minimum of this function f x. x square plus x minus 2. Factorize कर लीजिए 12x x plus 2 into x minus 1. ठीक है, इसके रूट्स क्या आ रहे हैं? माइनस टू जीरो एंड वन प्लस माइनस डिग्री सबकी वन है और डिग्री जहां माइनस से प्लस हुआ वो क्या हुआ? मिनिमम. तो माइनस 2 एंड 1 पे मिनिमम है, प्लस से जो माइनस हो रहा है वो क्या होगा? मैक्सिमम. तो x = 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड माइनस 2 एंड 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम. क्वेश्चन नंबर 3. If fx is equal to ax into e raised to the power bx square as maximum value 1 at x is equal to 2, then find a and b. Then find a and b. So a or b calculate. Question number 3. Realization for 3, subtract 9. मैक्सिमम वैल्यू 1 है x बराबर 2 पे, मतलब x 2 रखने पे ये वैल्यू नहीं आएगी 1. f 2 इसका मतलब क्या है? 1. फंक्शन कैसा है? डेरिवेबल है. डेरिवेबल है तो मैक्सिमम मिनिमम कहां आएगा? जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है और साइन चेंज हो रहा है. एंड f डैश 2 क्या हुआ? 0. इस पॉइंट का ये मतलब. और दो अननोन, दो कंडीशन है या पता है तो उससे वैल्यू आ जाएगी. इसे डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x a इनटू
e raised to the power bx square x square derivative plus ax bx square derivative 2bx into e power bx square. That does two. That thing will do. ये आएगा a e power 4b. फॉर्मूले लीजिए. ब्रैकेट में क्या आएगी? One plus a b is equal to zero. अब ये a तो zero होने सकता है. ये जीरो होगा तो फंक्शन ही जीरो हो जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन बाई एट यहां रखेंगे टू टू ए पावर फोर बी इज इक्वल टू वन ए बराबर e पावर माइनस फोर बी मीन्स e पावर वन बाई टू बाई टू दैट इज रूट ई बाई टू ये आंसर है. किसी को कोई डाउट है तो बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर. वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज कट इनटू टू पीसेस. One piece is converted into a circle and other into a square. From where? The wire is to be cut. From where the wire is to be cut from, so that the sum of total area of two plenty cuts is maximum or minimum. A part, second B part, maximum. यह क्वेश्चन. एक वायर है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है. इसको दो पार्ट में कट किया गया. एक पार्ट से सर्कल बना दिया गया और एक पार्ट से स्क्वायर बना लिया. अब वायर को बीच में कहां से कट करें कि टोटल एरिया इन दो प्लेन फिगर्स का जो टोटल एरिया है उनका सम क्या हो, मिनिमम हो या मैक्सिमम. बनाई जल्दी से.
तो सोचो थोड़ा सा और, नहीं एक वायर है लेंथ 20 सेंटीमीटर का, एक ना 20 सेंटीमीटर का है, इसको मान लो बीच में कहीं एच से मैंने कट कर दिया, ये लेंथ है एच, ये की लेंथ कितनी हुई 20 माइनस एच, इस एच से एक सर्कल बना लिया, इसकी रेडियस आर है, 2 पाई आर बराबर हो गया एक्स, इससे मैंने एक स्क्वायर बना दिया, एरिया का सम ए बराबर क्या हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाई, आर की वैल्यू रखी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 16, एक पाई कैंसिल हो, अब इसे डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन अच्छा एक्स की भी कोई रेंज है क्या, एक्स की वैल्यू है 0 से 20 तक, सर एक्स इक्वल टू 20 पे मैक्सिमम आएगा 0 से 20 तक, ये भी तो देखिए एक्स का एक इंटरवल है फिक्स 0 से 20 तक, कोई भी रियल नंबर नहीं हो सकता, उस 0 से 20 में ही मुझे मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, जब एक इंटरवल हो गया तो उस इंटरवल में तरह से ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वही ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू आ गई, ये देखना है आपको 0 से 20 तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dA / dx, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x / 4 पाई x / 2 पाई, दूसरे वाले का 2a कैंसिल होगा 20 - x / a और 20 - x का डेरिवेटिव -1, 8 पाई एलसीएम लिया दिया कितना आ गया 4x - पाई * 20 - x / 8 पाई, ये कहाँ जीरो हो रहा है, देखो इसको लिखो 4 प्लस पाई इंटू एक्स माइनस 25, क्लियर है, पहले जीरो हो रही है, एक्स इक्वल टू 20 पाई अपॉन 4 प्लस पाई पाई, इसके पहले साइन नेगेटिव फिर पॉजिटिव, लेकिन इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, 0 से 20 के बीच में ही है, देख लीजिए तो यहाँ पे डिक्रीज करके इंक्रीज किया, यहाँ तो मिनिमम आ गया मैक्सिमम, या तो 0 या 20 पे आएगा, वो चेक करेंगे, तो मिनिमम व्हेन एक्स इज 20 पाई अपॉन 20 प्लस पाई, फॉर मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, जब एक्स 0 है तो एक वैल्यू कितनी है, यहां एक्स 0 को एक वैल्यू निकालो कितना हो गया 400 पूरा स्क्वायर बन रहा है 0 सेकंड x 20 है तो उस केस में सर्कल क्यों बन रहा है, यहां रखेंगे ये 0 हो जाएगा, यहां रखेंगे 400 बाय 100 बाय पाई, पाई की वैल्यू 3.14 100 / 3.14 ग्रेटर देन 25 आएगा, तो यहां पे मैक्सिमम at x is equal to 20 maximum आ रहा, बताइए कोई दिक्कत है तो 25 अपान अच्छा 4 प्लस 5 यहाँ ठीक कर लीजिए 25 अपान 4 प्लस 5 बोलिए कोई डाउट है कॉन्सेप्ट में समझने में, ये था क्वेश्चन नंबर 4, 5 अगेन फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द पॉइंट पी ऑन द कर्व,
x square upon 8 plus y square upon 18 is equal to 1 in first quadrant. In first quadrant. So that the area of the triangle formed by the tangent at P and coordinate axis is minimum. And the coordinates of point P on the first quadrant, so that the area of the triangle found by tangent at P and coordinate axis is minimum. इस पर कोई पॉइंट, इस पर टैंजेंट और डायग्राम बना ली, बट मैं जरूरत के रूप से भी कर सकते हैं लोग. ये क्या ये ये तो निकालना है पॉइंट निकालना है. कुछ लिप्स का पार्ट यूज कर लें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन वगैरह. क्या जैसे पॉइंट को पैरामीटर के बाद में ही एज्यूम कर लें. लिप्स जो पॉइंट क्या लेते हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 पे a cos थीटा b sin थीटा तो उससे √8 √2 cos थीटा एंड 3√2 sin पॉइंट पे का टैन नाम जो ये और तो इस पर टेंजेंट कितना करेंगे टेंजेंट है x स्क्वायर या x x ऑनली को बता x इनटू 2 रूट 2 कॉस थीटा अपॉन 8 प्लस y इनटू 3 रूट 2 साइन थीटा अपॉन 18 इस इक्वल टू 1 एक रूट 2 कैंसिल होगा ना 3 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा
क्वेश्चन में क्या कहा गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय टेंजेंट एट पी एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एक्स एक्सिस पे कहां पर करें, वाई जीरो को भी बड़ा कितना आ गया 2√2 अपॉन cos थीटा, ये 0√2 अपॉन sin थीटा। क्लियर है, एरिया कितना हो गया ½ × ⁿ² ½ × ⁿ² cos थीटा ⁿ³√2 sin थीटा 12 sin 2 थीटा। अब इसका मैक्सिमम निकालना है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे क्या? नहीं सर, ये तो पता है sin, पूछा जाए sin की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा cos x, उससे भी आ जाएगा 0 π/2 पर आएगा, मैक्सिमम मान होता है, लेकिन डिफरेंशिएट करने की जरूरत क्यों है वहां पे, जो हमें पता है स्टैंडर्ड वैल्यूज पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो मिनिमम कितना आ गया इसका, देयरफॉर एरिया की मिनिमम वैल्यू होगी 12 व्हेन sin 2 थीटा विल बी 1, sin 2 थीटा 1 है तो 2 थीटा π/2 थीटा कितना होगा 5/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉइंट, इसलिए 5/4 ले रहा हूं, ठीक है। अब यहां 5/4 तो पॉइंट के क्वाड्रेंट आ जाएंगे 2√2 cos π/4 1/√2 √2 sin π/4 1/√2 इस पॉइंट के क्वाड्रेंट क्या आ गए 2, 3 यही कैलकुलेट करना क्वाड्रेंट्स ऑफ द पॉइंट है ना, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, ये आंसर आएगा फाइनल। तो हर जगह हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस में मैक्सिमम मिनिमम में आ रहा है, तो पहले की जो इंफॉर्मेशन है जो स्टैंडर्ड फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है उसको यूज कर लेंगे। आप बोलो ऐसे करना है, लेकिन देखो अब ऐसे क्वेश्चन तुम जो बार बार पूछते रहोगे अब उसमें पहली बार पैटर्न पे जब जाएंगे तो हो सकता है कि हम ये दूसरे प्रोसीजर से कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं ये वाला प्रोसीजर ज्यादा इजी है, कौन सा मेथड इजी है। अब मैं जो क्लास में क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ उसका मुझे मालूम है कि ये वाला प्रोसीजर सबसे आसान अभी तक, हो सकता है उसमें भी कोई एक दो क्वेश्चन हो जिसमें आप से कोई आसान मेथड आप बता दें कि हाँ सर ये वाला मेथड, तो मुझे लगे कि हाँ इसमें भी थोड़ा ये मेथड लग रहा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6, क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन 2, 1, 8 cutting the positive semi-axis at A and B. If the area of triangle OAB is minimum, find the equation of a line through 1, 8 cutting the positive semi-axis at A and B. If area of triangle OAB is thank you.
y equal to 6x plus 2. Y is equal to 6x plus 2. 6x plus 2. A line 1 skate will pass over it. For positive semi-axis, but the plus x-axis and plus y-axis cutter. Okay? Which is slope? Kya m agar hai, toh slope negative hoga, ye pakka hai. Kyun? एंगल 90 से ज्यादा होगा तभी तो ऐसे बनेगा, नहीं तो ये इधर कट कर रहा होगा या इस तरफ कट कर रहा होगा। पॉजिटिव सेमी एक्सिस को कब कट कर रहा है? प्लस एक्स एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस को थोड़ा एंगल बनाना पड़ेगा ना, 90 से ज्यादा बनाना पड़ेगा। 90 से ऐसे बनाओगे तो माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर्टी स्लोप माइनस एट है, लेस देन जीरो है, ये पॉइंट है। इस लाइन की क्या लिखूंगा, y माइनस वाई वन बराबर m into x minus x1। अच्छा वो ये लाइन की इक्वेशन लिख दी, ये x एक्सिस को काम कट कर रहा है, y की वैल्यू 0 को दे तो y की प्लेस पे 0 के कितना आ रहा है 1 minus 8 by m, x के प्लेस पे 0 को y आ जाएगा कितना आएगा 0 8 minus m। इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए मींस सर ये पहले एरिया को देखो 1 minus 8 by m, पहले 1 minus 8 by m comma 0 आएगा सर। अच्छा 1 माइनस 8 वाई एम कॉमन 0 है, ठीक वाई 0 का ना 1 माइनस 8 वाई एम कॉमन 0 जैसा आ गया। एरिया हो गया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये देखें मल्टीप्लाई करते हैं हाफ 8 प्लस 8 16 माइनस एम माइनस 64 वाई एम। ये सेम स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ा था क्वेश्चन, उस समय डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा था, डिफरेंशिएशन के बिना भी कर सकते हो। एम जी एम से माइनस एम प्लस माइनस 64 बाय एम, एम नेगेटिव है तो माइनस एम माइनस 64 बाय एम पॉजिटिव हो गए, इसका अर्थमेटिक मीन बाय 2 आया ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई करेंगे रूट 64 का रूट 8 क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 16 और माइनस एम माइनस 64 बाय एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16 ऐसा है होगा। तो ये वैल्यू क्या होगी 16 प्लस 16 32 बाय 2, तो ए की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 16 दिया था। और कब आ रही, जब अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन बराबर होते हैं तब ये मिनिमम आता है। तो माइनस एम इज इक्वल टू माइनस 64 बाय एम स्क्वायर बराबर 64, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 8, एम लेस देन 0 यहां रखेंगे तो लाइन की क्वेश्चन y माइनस 8 बराबर माइनस 8 इंटू x माइनस 1 y बराबर माइनस 8x प्लस 16 और 8x प्लस y इक्वल टू 16। ये बिना डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट करना चाहो से क्या जाए, या m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे dA by dm क्या होगा 1 by 2 0 माइनस वन प्लस 64 अपॉन एम स्क्वायर, एलसीएम लेंगे और माइनस कॉमन लेंगे क्या आएगा एम स्क्वायर माइनस 64 अपॉन एम स्क्वायर, एक बार फैक्टराइज करोगे एम माइनस 8 इंटू एम प्लस 8 मिनिमम बैलेंस में 8 माइनस 8 प्लस होता है लेकिन बाहर माइनस लगा तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस, हमें क्या चाहिए मिनिमम, मिनिमम कहाँ आया जहां माइनस से प्लस चेंज होगा किस पे आएगा माइनस 8 पर, माइनस एट रख तो वही आ गए। इसके बाद बोलो कोई डाउट है अब किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 7 लिखो एक्शन नंबर
Find the maximum value. Of the function. Fx is equal to x square upon x cube plus 200, where x belongs to natural. Find the maximum value of this function. इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन x क्या है? नेचुरल नंबर, ये भी ध्यान देंगे, बनाएंगे इसको। इस क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए इसको। दो ग्राम छूट गए जब आपने पता नहीं कब कब मैं फिनिश करना था, समझ आपने रिकॉर्डिंग करें शुरू करो। सबसे पहले नेचुरल को बाद में देख लें, इसका मैक्सिमम मिनिमम के लिए अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, अगर केवल नेचुरल देखोगे तब तो डेरिवेबल ही नहीं डोमेन अगर केवल है, लेकिन इस फंक्शन को देखता हूं, इसका तो डोमेन रियल नंबर है जहां पे एक पॉइंट माइनस 200 अपॉन और 1/3 को छोड़ के, तो डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 200 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा एक्स क्यूब प्लस 200 इनटू एक्स स्क्वायर का डिवाइडेड 2x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 200 का डिवाइडेड 3x स्क्वायर होगा, यहां से मिल जाएगा 400x प्लस 2x क्यूब माइनस 3x क्यूब 3x पावर 4 2x पावर 4 माइनस 3x पावर 4 x कॉमन ले लिया क्या जाएगा 400 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 200 का होल स्क्वायर, होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये वाली मैं सब ऑप्शन, ये एक्स नेचुरल नंबर वैसे भी जीरो बना लो, बना लो, ये कहां पे जीरो 400 पावर 1/3 इधर वैल्यू क्या लिखो, पॉजिटिव बाकी रूट तो इमेजिनरी रहेंगे, सॉरी पॉजिटिव नहीं, अभी देखें 400 पावर 1/3 से ज्यादा होते ही एक्स की वैल्यू, तो एक्स क्यूब 400 से ज्यादा होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी यार, माइनस कॉमन नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है हमें तो ग्रेटर देन जीरो में ही देख लेते, यहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू यहां पर है
लेकिन अगर नेचुरल नंबर नहीं पूछा होता तो हम 400 पावर 1 बाई 3 रखते और वो वैल्यू आ जाती। ये होता ना, अभी पूछा गया है नेचुरल नंबर इसके मैक्सिमम वैल्यू का। तो अब देखिए 400 पावर 1 बाई 3 के आसपास में रूट याद कीजिए कौन से होते हैं, क्यूब रूट। 343 का क्यूब रूट कितना होता है, 7। तो 343 का क्यूब रूट है 7, तो 7 इसके पहले आएगा। 512 का क्यूब रूट कितना है, 8। इसके बाद आएगा, इसके पहले 6 आएगा, 5 होगा, इसके बाद 9 आएंगे, 10 आएंगे, इस तरह से नेचुरल नंबर होगा। इन सभी में इस पोर्शन में मैक्सिमम कहां आ रहा है, 7 पे। इस पोर्शन में मैक्सिमम कहां आ रहा है, इस 7 और 8 में जो वैल्यू बड़ी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी जब एक्स नेचुरल नंबर लेंगे तो। अब यहां इसमें 7 भी रख के देख लीजिए, 8 भी, और देख लीजिए कौन सी वैल्यू ग्रेटर। तो सिंस एक्स 7 इज ग्रेटर देन एक्स 8, 7 की जो वैल्यू है वो 8 पर जो वैल्यू है उससे ग्रेटर है। एफ 7 की वैल्यू एफ 8 से ज्यादा, रख के देखना पड़ेगा पॉइंट में निकाल के। मैंने लिख दिया तो ऐसे नहीं कि हाँ कैसे आ गई, तो वो रख के देखना पड़ेगा। 7 भी रखिए उसमें, 8 भी रखिए, पॉइंट में कैलकुलेट करके देखिए कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, जो ग्रेटर है वो मैच। देयरफॉर इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी एफ 7। रखेंगे 49 अपॉन 343 प्लस 200, 540। ये होगा उसका से 8 लिखिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा, तो चलो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन हैज अ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम है x is equal to 1, 2 and 3 and f of minus 1 is equal to 0. If minus 2 to 2 fx dx is equal to 1, 3, 4, 8, 13, 48 upon 15, then find fx. तो fx फंक्शन कैलकुलेट करिए। ये क्वेश्चन अ बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन fx, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन fx हैज अ लोकल मैक्सिमम मिनिमम, इसका लोकल मैक्सिमम और या मिनिमम इनमें से कोई भी एक हो सकता है 1, 2, 3 पर। f -1, 0 है और ये इंटीग्रेशन यह है -2 से 2 fx dx, बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 4 है, fx कैलकुलेटर।
लोकल मैक्सिमम मिनिमम है तो वहां पे डेरिवेटिव जीरो होगा। तो एफ डैश एक्स के कौन कौन से रूट है, वन है, टू है, थ्री है और एक और है वाई क्वाड्रेटिक है ना, तो अल्फा ले ले के तो तीन ही होंगे इनटू ए ले ले पाई क्वाड्रेटिक एफएक्स है तो एफ डैश एक्स के तो ये तीन होंगे इनटू ए लिख ले ये तो इस मल्टीप्लाई करने क्या होगा ए एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स इंटीग्रेट करेंगे एफएक्स है एफएक्स कितना हुआ ए एक्स पावर फोर बाई फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस इलेवन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस सिक्स एक्स वहां पर जीरो माइनस वन ए इंटू वन बाई फोर प्लस टू माइनस प्लस इलेवन बाई टू माइनस प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो सी की वैल्यू कितनी आई देख लीजिए ये वैल्यू आ रही है सी की वैल्यू माइनस फिफ्टी फाइव बाई फोर ए सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे और वन बाई फोर ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए बाई फोर कॉमन ले लो बन जाएगा एक्स पावर फोर माइनस एट एक्स क्यूब प्लस ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस माइनस फिफ्टी फाइव देखो ठीक है ए अपॉन फोर कॉमन ले लें एफ एक्स सी की वैल्यू तब इसका इंटीग्रेशन माइनस टू से टू इस माइनस टू से टू एफ एक्स डी एक्स बराबर वन थ्री फोर ए अपॉन फिफ्टीन है ऑड वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा इवन वाला पार्ट टू टाइम्स कर लोगे ए अपॉन फोर इंटू टू टाइम्स इवन वाले पार्ट को इंटीग्रेट करो इसका इंटीग्रेशन एक्स पावर फाइव बाई फाइव प्लस ट्वेंटी टू एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस 55x लिमिट कितनी है 0 से 2 बराबर 1348 अपॉन 15 सॉल्व कर लो इसको इससे a by a इक्वल टू 4 आ जाता है सर देख लीजिए माइनस 2 से 2 है तो 2 टाइम 0 से 2 कर दिया ना 2 टाइम 0 से 2 कर दिया इवन वाले को ऑड वाले को 0 कर दो अब ये यहां पूरक हो गया आंसर आ गया ये fx अगला क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन fx is equal to 1 plus a square x minus x cube satisfies the inequality x square plus x plus 2 upon x square plus 5x plus 6 less than u और व्हाट वैल्यू ऑफ ए ए की किस वैल्यू के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमम जो है वो किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे पढ़ाएंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9
आइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, तभी ऐसा हो। मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स लेस देन जीरो फैक्टराइज हो गया, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो। रियल नंबर आइए सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, माइनस थ्री से माइनस टू। इसी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने का मतलब किसको सेटिस्फाई करना, एक्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमम माइनस थ्री से माइनस टू के बीच में होना चाहिए इसका मतलब। ये तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स कितना होगी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, a square minus 3x square minus common log 3 x minus a by root 2 into x plus a by root 3 here x square minus a square by 3। जैसे ही मैं average x का साइन बनाऊंगा, a by root 3 और minus a by root 3 में कौन सी वैल्यू बड़ी, ये नहीं पता है, a के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट केस लेते हैं, if a is greater than u, a पॉजिटिव है, तो a by root 3 ज्यादा बड़ा होगा, माइनस a by root 3 छोटा होगा। इधर होगा प्लस, माइनस प्लस होता है लेकिन बाहर लगा है यहां माइनस, माइनस प्लस माइनस, इवन हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, कौन सा होगा यार, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम जहां प्लस से माइनस चेंज हो रहा है a by root 3। अब ये a by root 3 किस इंटरवल में होना चाहिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, देयरफॉर a upon root 3 माइनस थ्री से माइनस टू तक होना चाहिए। एक की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस थ्री रूट थ्री से माइनस टू रूट टू तक, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या लेके चले हो, ए ग्रेटर देन जीरो, बट ए ग्रेटर देन जीरो है तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ रही, नो वैल्यू आ रही फर्स्ट केस से। अब सेकंड केस ले लेते हैं, सेकंड केस क्या है, a लेस देन जीरो, a जब नेगेटिव होगा तब यही जब बनाओगे आप रियल नंबर लाइन तो माइनस a बाय रूट थ्री ग्रेटर होगा, प्लस a बाय रूट थ्री लेस हो जाएगा क्योंकि a नेगेटिव, इसके राइट साइड यहां लिखोगे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब यहां आ गया, अब ये है मैक्सिमम माइनस ए बाई रूट थ्री, ये किस इंटरवल में होना चाहिए, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इस इंटरवल में होना चाहिए, माइनस ए बाई रूट थ्री किस वैल्यू से किस वैल्यू तक होगा, माइनस थ्री से माइनस टू तक, निगेटिव से मल्टीप्लाई किए तो इक्वल साइन चेंज, क्या लिख देंगे, ए की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, टू रूट थ्री से, सॉरी यहां टू रूट थ्री, टू रूट थ्री से थ्री रूट थ्री, टू रूट थ्री से थ्री रूट थ्री तक, लेकिन ए क्या है, लेस देन जीरो, और ये हाँ ए ग्रेटर देन जीरो, बट ए इज लेस देन जीरो, यहां से भी कोई वैल्यू, ए की कोई वैल्यू नहीं आ रही, और कोई वैल्यू चेक करने लगी, जीरो जीरो रखोगे तो क्या रहेगा, ऑलवेज डिक्रीज, तब तो मैक्सिमम मिनिमम आएगा नहीं, तो भी कोई वैल्यू नहीं, हाँ बोलो, तो देयरफॉर नो सच वैल्यू आप ए एग्जिस्ट, तो ए की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये तो हो रहा था, कोई वैल्यू
वैसे भी नहीं आ रही थी। हाँ बोलो। जैसे कि सर ये आपने इसको कर दिया सर। हाँ। पहले मैंने सिनो मैक्सिमम पहले केस लिया। मैक्सिमम मिनिमम केस लिया। ठीक है, लेकिन इस इनइक्वालिटी को बाद में सॉल्व कर लो, इसी स्टेप के बाद यहाँ सॉल्व कर लो। सॉल्व तो ये इनइक्वालिटी करनी पड़ेगी, लेकिन a बाई रूट थ्री रख के सॉल्व करोगे इनइक्वालिटी, तो आप ये देख रहे हो कि चीजों को आप टप कर रहे हो। ठीक है, आप इसी स्टेप पे सॉल्व कर लो, या पहले मैक्सिमम मिनिमम देखने लग गया फिर उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया। वो तो मैंने तो सिस्टमैटिक है तुम वैसे बता दिया आपको क्यों मेरा क्या हुआ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप ऑर्डरिंग थोड़ा बहुत चेंज कर ले। लेकिन आप देखिए अगर a बाई रूट थ्री या माइनस a बाई रूट थ्री रखने लग गया मैं उसमें फिर सॉल्व करने लग गया तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम में नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर वो अगली क्लास में कर देता हूँ मैं, और कोशिश करते हैं कल कंप्लीट हो जाए, नहीं होगा तो फिर इवनिंग में क्लास लेकर के कंप्लीट करेंगे कल। हाँ एवरी ठीक है, ओके एवरीवन।